तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम गुलाब के फूल का जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए कैसा सूख गया है ये, तो इसको सही करना ज़रूरी है। जाड़े के दिन आ रहा है अब, तो जाड़ा में गुलाब तो बहुत खिलता है, गर्मी में तो अक्सर थोड़ा थोड़ा होता है फूल, मगर ये फूल एकदम से ख़त्म हो चुका है, सूख करके मर चुका है। तो थोड़ा हरा है इसका जो ये डंठल है ना, हरा है, इसी को थोड़ा से आज हम कटिंग छटिंग कर करके इसको जिंदा करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए कैसे होता है, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप शॉर्टकट में बनाएंगे, आप देखते रहिए। देखिए ये इस तरह से आप छाटते जाइए, सूखा हुआ जितना इसका मोटा मोटा डंठल है इसको छाट दीजिए। छाटने से क्या होगा कि इसका नया ग्रोथ होगा। जाड़े के दिन आ रहा है, लाल गुलाब है, इसको देखिएगा कि एक महीना के अंदर ही कैसा ग्रोथ होकर के बड़ा बड़ा फूल आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा इसमें है, देखिए ये सब थोड़ा से पचकी फेंक रहा है बरसात के पानी का है। तो लाल गुलाब तो बहुत सबका पसंद फूल है, बहुत खुशबू वाला है, देसी फूल है। इस तरह से आप इसी तरह से आप इसको पहले कोड़नी के तरह कोड़ लीजिए। कोड़ करके इसमें से जो भी फालतू मिट्टी है इसको निकाल दीजिए, इस तरह से ढाल दीजिए। पुराना मिट्टी हो गया है ये, देखिए इसको पूरा इस तरह से पूरा कोड़नी करके पुराना मिट्टी को निकालना पड़ता है। निकाल करके उसमें आप चाय पत्ती जो होता है, चाय पीते हैं, उस चाय पत्ती को आप धो करके छान करके इसमें डालिए जमा करके। तो देखिए हम इतना गड्ढा कर लिए हैं, इधर जड़ है इसीलिए नहीं कोड़नी दे रहे हैं, इधर बगल से किए हैं। तो देखिए ये चाय पत्ती है, ये दो दिन का चाय पत्ती है, इसको हम चाय को पूरा धो लिए हैं, इसको छान करके हम धो लिए हैं। इसको चाय पत्ती को इसमें डाल दीजिए। गुलाब का फूल का बेस्ट ये दवा है और ग्रोथ खुद होगा आपको इतना चाय पत्ती डालने के बाद। ग्रीन टी है इसमें, चाय पत्ती है, सब कुछ है। तो इसको इसमें डाल दीजिए और देखिए ये फल का थोड़ा से छिलका भी है यहाँ पर, इस छिलके को भी यहाँ पर डाल दीजिए दबा दबा करके। इसी से इसका ग्रोथ देखिए एक महीना में पूरा पत्ती लाल लाल आ जाएगा, कली आ जाएगा, फूल आ जाएगा। आप इस एक महीना के बाद हम फिर आपको इसको दिखाएंगे कि पेड़ कैसा हो गया है। तो देखिए इस तरह से आप अपने पौधों को फूलों को जाड़ा से पहले इस तरह से आप खाद पानी डाल करके और सही कर दीजिए ताकि जाड़ा में ये अच्छे से फूले। और आप इसका खुशबू लीजिए और इसके ऊपर से आप थोड़ा से खाद वाली मिट्टी, ये देखिए खाद वाली मिट्टी है, तो इसको थोड़ा सा ढक दीजिए ताकि ढकने से क्या होता है कि जल्दी से ये सब सड़ जाता है। तो ये ढक दिए हम, ढकने के बाद अब इसको थोड़ा से देखिए यहाँ पर हम ये चावल जो धुलाता है उसका हम पानी लाए हैं। तो पानी चावल का पानी आप फेंकिए मत, हर पौधा में थोड़ा थोड़ा आप डालिए एक एक हफ्ता पर, ताकि चावल का पानी में बहुत सारा विटामिन होता है पौधों के लिए। तो इसमें डालिए, देखिए इधर है, इधर है थोड़ा से पेड़ पौधा, इसमें डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से। तो फेंकना नहीं है कोई चीज़, दाल का पानी हो, चावल का पानी हो, चाय पत्ती हो, तो इस तरह से आप पौधों में करिए, डालिए, बनाइए। और दूसरे पौधों के साथ हम मिलती हूँ, थैंक यू, बाय।